कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आप बेहतर होते जाएंगे आप आशीष प्राप्त करते चले जाएंगे you know, इस समय में हम इस ऋतु में ईस्टर मना रहे हैं अ वेरी हैप्पी ईस्टर टू यू एंड योर फैमिली आप सभी को और आपके सारे परिवार को ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं यू नो व्हाट इज ईस्टर देखिए ईस्टर क्या है यू रिमेम्बर वी वर स्पीकिंग अबाउट द क्रॉस फॉर अ आपको याद है पिछले कुछ हफ्तों से हम क्रूस के बारे में चर्चा करते आए हैं आफ्टर क्रॉस केम द रेवेक्शन ऑफ जीसस और क्रूस के बाद में यीशु मसीह का पुनरुत्थान आता है यू नो इन द लास्ट मैसेज वी स्पोक अबाउट जीसस एंटरिंग इनटू टू जेरूसलम एज द किंग पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह का यरूशलेम में राजा के रूप में प्रवेश देखा है एंड आफ्टर दैट दैट फ्राइडे जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलबोर और उसी के बाद शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाते, जाते हैं ही वाज बरीड और वो गाढ़े जाते हैं एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक दैट इज संडे अर्ली मॉर्निंग ही रोस अगेन फ्रॉम द डे और हफ्ते के पहले दिन यानी रविवार के दिन

कुछ स्त्रियां कुछ मसालों को बनाती हैं और वो उसे यीशु मसीह की कब्र पर पर लेकर जाती हैं ताकि उसकी देह पर उन मसालों को लगाया इन टूम uh, you know, uh, 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 और वो जैसे कि उस तरफ बढ़ रही थी वो यही सोच रही थी कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा क्योंकि दफनाने के बाद में उस कब्र पर बड़ा पत्थर रखा जाता था और वो पत्थर वहां पर बहुत भारी बहुत बड़ा पत्थर होता था एस दे the और जैसे वो कब्र के पास पहुंची तो उनके लिए मानो एक चकित करने वाली बात थी। And there टू एंज वहां दो स्वर्गदूत थे एंड दे सेम यू केम लुकिंग फॉर इज नॉट हियर ही जस्ट

वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है आओ ये देखो जहां प्रभु था। यीशु ने जो प्रतिज्ञा की थी उसी के अनुसार ये ईस्टर हुआ या ये पुनरुत्थान हुआ जीसस क्राइस्ट टोल्ड द डिसाइपल एट ही विल रेस फ्रॉम द डेड यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि वो

न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा इस तरह ये उस धर्मी व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो कभी सड़ने को नहीं देखे टू द रेजरेक्शन यानी यहाँ पर ये पुनरुत्थान के बारे में हमें दर्शाने वाला है ऑल्सो इन द बुक ऑफ होजिया चैप्टर सिक्स वर्सिस

लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप में अपने चेलों को इसके बारे में बताया था इन द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर सेवनटीन ट्वेंटी अध्याय सत्रह वचन बाईस और तेईस में हम is going इन be सन ऑफ मैन इज गोइंग टू बी बिट्रेड kill him, and एंड ऑन third डे he will be raised to life and the disciples were filled with grief जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ से पकड़वाया जाएगा वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा इस पर वे बहुत उदास हुए so what an important statement here the son of man will rise again on the third day ये कितना महत्वपूर्ण वाक्य है कि मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। तीसरे दिन उसका जी उठना ये स्पष्ट रूप में हमें बताता है कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए जो हमसे प्रतिज्ञा की है वो उसे जरूर पूरा करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं थर्ड डे एंड ही Very active, he is alive in your life and my life today, and that is the good news we want to share with you. और वो आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में जीवित हैं इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं to to यही वो संदेश है जो परमेश्वर पूरे संसार को देना चाहते हैं you know, you आप शायद पुनरुत्थान के बारे में हर तरह के सबूत पुनरुत्थान तो बहुत ही महत्वपूर्ण आप पूछे कि मैं कैसे विश्वासिंग एंड देर टॉकिंग अबाउट इट ओनली टेलिंग Some say like that. विश्वासी लोग इसको मानते हैं और वे इसके बारे में बताते हैं कुछ लोग कहते हैं वो तो केवल झूठ बोल रहे होंगे But... बाइबल like the book of Acts chapter 1 verse 3 says like this. देखिए बाइबल इतिहासकारों ने भी लिखा है जैसे कि लूका वो प्रेतों के काम एक में इस तरह से लिखता है आइए इसे हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने इसके बारे में क्या लिखा है आफ्टर हिस्स सफरिंग शोड हिमसेल्फीस मैन एंड गेव मेनी कन्विंसिंग प्रूफ दैट ही वॉस अ लाइव ही अपियो टू दीरियड ऑफ फोर्टी डेज एंड स्पोक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड प्रेरित एक तीन उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और चालीस दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा यानी वो उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता रहा आई वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ रीफोकस दिस वर्स अगेन मैं यहाँ पर इस वचन पर फिर से जोर देना चाहता हूँ शोड इम सेल्फ टू डिफरेंट पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ फोर्टी डेज ये कहता है कि वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा वो उनसे मिलता रहा he spoke to about the of God. उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। चालीस दिनों तक अलग अलग अवसर पर उसने अपने आप को उन पर प्रकट so, किया इन द बाइबल वी फॉर दिस यानी बाइबल में हमारे पास इसके बारे में बहुत से सबूत हैं। यू नो अ रियल पर्सन बाय द नेम ऑफ़ फ्रैंक मॉरिसन देखिए फ्रैंक मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति थे एंड दिस मैन अंडरटूक अ प्रोजेक्ट टू डिस्प्रूव द रेसोरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट और इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया और वो बताना चाहते थे कि यीशु मसीह का अस्तित्व ही नहीं था सो ही बिगन टू स्टडी द फाइनल वीक ऑफ जीसस क्राइस्ट इंटेंटली और वो यीशु मसीह के जीवन के आखिरी हफ्ते का बड़ा ध्यान से अध्ययन करने लग गए उसे पढ़ने लग गए और जो कुछ भी सबूत उपलब्ध थे उन्होंने उसका अध्ययन किया उसे खोजा आफ्टर ही केम टू द कंक्लूशन जीसस रियली रोज फ्रॉम द डेड

क्यों विदाउट द रेसरेक्शन द सैल्वेशन प्लान ऑफ गॉड इज नॉट कंप्लीट पुनरुत्थान के बिना परमेश्वर के उद्धार की योजना पूरी नहीं हो सकती

एंड क्लेम्ड देस ऑफ रेस्टरक्शन जब भी प्रेरितों ने प्रेरितों के काम अध्याय एक से लेकर अंत तक जहां भी प्रचार किया तो उन्होंने पुनरुत्थान का दावा किया और बताया कि हम उसके साक्षी हैं हम उसके जीवित गवाह हैं इस तरह से उन्होंने बताया

of the resurrection of Jesus Christ और फिर वैसे तीसरे और चौथे अध्याय में जब वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में दावा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम उसके पुनरुत्थान की गवाह हैं. Today, you know as we are thinking about Easter and celebrating Easter I want to tell you God has called you and me to be a witness of his resurrection. जैसे हम ईस्टर का उत्सव मना रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने गवाह होने के लिए बुलाया है. कि हम उसके पुनरुत्थान के गवाह हो जाए वट इज विटनेसिंग अब देखिए ये जो गवाह है ये क्या है इट इज समथिंग यू नो सेट वी और वॉट वी हैव एक्सपीरियंस्ड ये तो वही कहना है जो हमने देखा है या जो हमने अनुभव किया है उसे बताना है यूशुअली दिस टर्म इज यूज इन कोर्ट सामान्य रूप में ये जो शब्द है ये कोर्ट में उपयोग किया जाने वाला शब्द है सो यू कैन अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट सेंचुरी वेन एवर द अपोस्ल्स क्लेम्ड दैट दे आर द विटनेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट इट मींस दे हैव

वो बड़ी साहस के साथ में ये कह रहे थे कि उन्होंने जी उठे प्रभु यीशु मसीह को देखा है वो उसके साथ में बैठे उन्होंने उसके साथ भोजन किया और यीशु सच में जी उठे हैं जॉन अपल जॉन इन एपिसोल फर्स्ट जॉन चैप्टर वन वर्स वन टू थ्री very वेरी कैटेगोरिकली And uh, very strongly and interestingly, he brings out this idea. He says that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at uh, and our hands have touched. this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testify to it. And we proclaim to you eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. पहला यह ना एक एक से आगे उस जीवन के विषय में जो आदि से था जिसे हमने सुना और जिससे अपनी आँखों से देखा वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है

क्शन इज अट एंड कैन बी विटनेस और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों की यीशु जी उठे ये एक तथ्य है प्रेरित तो ने ही उसे नहीं देखा लेकिन आज इक्कीसवीं सदी में हम भी उसके गवाह हैं हम उसके पुनरुत्थान को मानते हैं उस पर विश्वास करते हैं To bring टू ब्रिंग आउट दिस आईडिया to वॉन्ट टू गो टू इन द बुक ऑफ एक्स चैप्टर टेन थर्टी फोर टू फोर्टी इस विचार को बताने के लिए मैं प्रेरित पत्रस कर्नि के घर में प्रचार कर रहा था and he began to speak and saying that God is not showing any favoritism. और यहाँ पर वो अपना प्रचार शुरू करते हुए कहता है कि परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर He is the Lord of all. And he continues on by saying in the 39th and 40th verse, uh, let me read just uh, those two verses here. He continues to speak uh, that God accepts all people from all over. He says, We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree, but God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. वचन उनचालीस और चालीस यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये कहता है हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किए और उन्होंने उसे काटकर कर लटका कर मार डाला उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? Saying,

But I tell you, Jesus is changing, intervening in your life.

ये कहता है कि वो जीवित है जीवित है यीशु मसीह आज भी जीवित है ही वॉक्स विद मी एंड टॉक्स विद मी अलोंग लाइफ नैरो मेरे जीवन के सक्रिय मार्ग में मेरे साथ चलते हैं, मुझसे बातें करते हैं ही lives, ही lives, salvation टू impart। वो जीवित हैं, वो जीवित हैं ताकि उद्धार दे सकें। You ask me how I know He lives, He says, He lives within my heart. So, so, Jesus Christ living inside our heart is something that you can know for sure. You can experience that. यानी यीशु मसीह जो आपके दिल में रहते हैं उसके बारे में आप निश्चित हो सकते हैं आप उसका अनुभव पा सकते हैं एंड आई एम श्योर यू कैन एक्सपीरियंस अदर पीपल आल्सो कैन सी दैट मैं जानता हूं कि आप ऐसा जीवन जी सकते हैं और दूसरे लोग उसे देख सकते हैं एंड यू नो व्हाई व्हाई आई से दैट इज बिकॉज़ व्हेन यू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट इट सेस द वन हु हैज सन हैज लाइफ 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 12 पहला योहन्ना अध्याय पाँच वचन बारह कहता है कि यदि तुम्हारे पास मनुष्य का पुत्र है तो तुम्हारे पास जीवन है मेबी इट्स गुड टू रीड दैट वॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ही हु हैज द सन हैज लाइफ ही हु डस नॉट हैव द सन ऑफ गॉड डस नॉट हैव लाइफ पहला योहन्ना अध्याय पाँच वचन बारह ये कहता है अच्छा है कि हम यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है सो वट आई टू द सन इन यू दैट इज जीसस क्राइस्ट इन योर हार्ट यू हैव लाइफ एंड यू आर that दैट Jesus जीसस क्राइस्ट living. मैं यही कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है

Jesus is living in his heart. जब यीशु मसीह हमारे दिल में रहते हैं हमारे जिंदगी को बेहतर बनाते हैं तो दूसरे लोग देखकर कहते हैं कि हाँ यीशु इनके दिल में जीवित हैं वो हमारे जीवन को देखकर कहते हैं कि हाँ यीशु इनके जीवन में हैं, यीशु इनके दिल में जी रहे हैं इस तरह से वो हमारे बारे में कहते हैं दस का जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने गवाही के बारे में बहुत ही अद्भुत बात जानी स्टेटमेंट इन दी फर्स्ट वर्स वेरी सीन बाई ऑल द पीपल बट बाई हुम गॉड है and drank with him after he rose from the dead वचन 41 कहता है सब लोगों पर नहीं परंतु उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को प्रचार करो और गवाही दो व्हाट इज ही सेइंग हियर यहां पर वो क्या कह रहा He's है ही सेइंग विटनेसेस फॉर द रेजरेक्शन इज गिवन to those uh, who are already following Christ. पुनरुत्थान की गवाही उन लोगों को देने के लिए कहा गया है जो पहले से यीशु के पीछे चल रहे हैं उसके अनुयायी हैं। You know when Jesus rose from the dead, he did not go to Pharisees, he did not go to Sadducees who did not believe him and show. I want to prove to you, I rose from the dead. जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो वो फरीसियों के पास नहीं गए सदुकियों के पास नहीं गए कि ये साबित करें कि देखो मैं मुर्दों में से जी कई लोग अगर मैं उसकी जगह पर होता तो निश्चय उन लोगों के पास जाता जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और उनके सामने ये साबित करके दिखाता बट जीसस डिड नॉट डू लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया

i believe in the resurrection of jesus christ i can't take every one of you to Uh, to शायद कुछ लोग कहते हैं मैं यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहता हूं। आप यरूशलेम में देखिए वहाँ पर अभी भी उसकी खाली कब्र है हमारे पास समय नहीं कि हम सबको दिखाएं देखिए ऐसी भी तस्वीरें हैं जो उस खाली कब्र को दर्शाते हैं दिखाते हैं सर्च करके उसकी खाली कब्र को देख सकते हैं बट What is a witness in my life is the way He works in my life, the way I have experienced Him. That is the proof uh, I can show to people Jesus is. Today. लेकिन सबूत क्या है जैसे वो मेरे जीवन में काम करते हैं और मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीता हूँ तो मैं उसका साक्षी हूँ कि हाँ प्रभु जी उठे, है। ये मुर्दों में से जी उठे हैं ये और वो फिर से वापस आएंगे 10 chapter, we के काम अध्याय 10 के इसी भाग में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर प्रेरित पत्रस भी इस बात को बता In the 42nd to 43rd verse, he says, uh, He commanded us to preach the gospel to testify that. He is going to be the judge of the world. वचन दर्ल्ड और वचन त्रियालीस में वो कहता है कि 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 उसने उसने हमें आज्ञा दी है हम इस बात को मैं संसार का न्याय करने के लिए आऊंगा लुकिंग अपन आप जानते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तब सारे चेले ऊपर स्वर्ग की ओर देख रहे थे इन द बुक ऑफ एक्स फर्स्ट लाइक

पॉवर ऑफ रेसोरेक्शन लाइफ और तब तक मेरे दोस्तों पुनरुत्थान आपके जीवन में काम और इसीलिए हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य आपको जीवन में उद्देश्य देती है मीनिंग इन लाइफ जीवन में अर्थ देती है एंड इट गिवस यूचर और ये आपको एक भविष्य देती है Because I live, you will also live. मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे वॉट एन अमेजिंग स्टेटमेंट ये सच में कितना अद्भुत वाक्य है प्रोमिसिंग स्टेटमेंट ये कितना प्रतिज्ञा करने वाला वचन है. If you believe in this Jesus क्राइस्ट मेरे दोस्तों अगर आप इस यीशु पर विश्वास I can करेंगे that you will live forever and ever तो मैं आपको शाश्वती देता हूं कि आप अनंत जीवन में जिएंगे आप हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे may god bless you and your family today परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे study the word of god in a private and personal way through our online study website Contact number